सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सच ज्योता भले माता तेरी सदा ही जय, शब्द मनोर्थ पूर्ण करण भले माता तेरी सदा ही जय, सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल सच दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस तपस्थली पर बैठ करके माँ भगवती का स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, जय भगवती आदि शक्ति हैं, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती, ये तीनों माता जो हैं प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों की सभी मनोवलक्षित कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह संसार में सब सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी जो है वह कल्याण में हो जाते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजतन पूर्वक इस कल्याणमय देवी की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा जो है ये अवश्य करनी चाहिए। भक्तजन माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए भगवत से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवत के नाम का जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, माँ के नाम का स्मरण करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सत्कर्म जो होते हैं, जो जो भी हम ये कर्म करते हैं, वास्तव में सब जो है ये यज्ञ ही होता है। घर से चलते हैं और रास्ते में जो है माँ भगवत के नाम का जप करते हुए चलते हैं, जो भक्त आ रहे हैं उनके भी जिब्बा पर एक ही नाम है, जय माता दी। जो माँ के दर्शन करके जा रहे हैं उनके जिब्बा पर एक ही नाम है, जय माता दी। तो ये 14 किलोमीटर जो है ये जो नाम जप होता है अद्भुत फल होता है। शास्त्र में तो जहां तक कहा गया है कि साधक जब यात्रा करता है और जिसके दर्शन के लिए, जिसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिसकी कृपा प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं, उसके नाम का जप करते हुए जितने पद चलता है उतने ही उसे अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये जप करते हैं तो भगवान ने भी कहा है गीता में कि यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञ में जप यज्ञ मैं हूं। तो इस प्रकार से जप करना, ये किसी को विद्या दान करना ये भी यज्ञ है। तो किसी भी जिस प्रकार से माँ का श्रृंगार करना, देखो फूलों से फलों से माँ का श्रृंगार कर करके माँ को प्रसन्न करना ये भी यज्ञ है। प्रत्येक कार्य जो आपका ये यज्ञ हो सकता है, एक एक श्वास जो है आप इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा जो है ये सार्थक हो सकते हैं, जब साधक जी अपने जीवन में ऐसा निज बना लेता है कि जो भी कार्य है ये सब माँ का ही कार्य है। इसलिए भक्तजन जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के माँ से ही प्रार्थना करते हैं। तेस मता जन पदेश नानी तेषा तेसव स्थान से नाच से धर्वर्ग धन्यास एव
निभृता त्वज वृत्त धारा जेसाम सदा जदा भक्ति प्रसन्न ते समता जन पदे सुधनाने तेषाम। देही लोग जो है धन्य ही बड़भाग्य ही, उन्हीं का यश जो है उनकी कीर्ति संसार में बढ़ती है, जिन पर जे भगवती जो है जे प्रसन्न होती है। भी लोग जो है तेसो सांचे नाचो सीधे धर्म धन्यास एव निभृता त्वजित धारा, वही लोग जो अपने स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं, जिन पर जो माँ प्रसन्न रहती है, जो अवधियों को देने वाली, उन्नति को देने वाली, सुख देने वाली, शांति देने वाली, जो माँ जिन पर प्रसन्न होती है, वही लोग वास्तव में जो है वही बड़भागी है। क्योंकि जिन पर माँ की कृपा होती है उनका जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता। माँ की सदा सर्वदा उन पर कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति अटल बनी रहती है और वह कभी धर्म का त्याग नहीं करते, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, भगवती की आराधना करते हुए वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनका वंश, उनका कुल जो है वह भी जो है इस प्रकार से जब तक सृष्टि रहती है, जो सूर्य चंद्रमा गतिमान रहते हैं, तब तक उनका कुल, उनका वंश जो है इस संसार में रहता हुआ जो है वह धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, भगवती की आराधना करता हुआ वह कल्याण को प्राप्त होता। बोल सच्चे दरबार की जय। यहाँ पर प्रत्येक नवरात्रों में जो है सचंडी महायज्ञ किया जाता है। प्रथम नवरात्र से लेकर नौमी पर्यंत 9 दिन जो है जहाँ पर जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, श्रीमद देवी भागवत का पाठ होता है, नवग्रहों का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, योगियों का मंत्र जब जो होते हैं वो किए जाते हैं। इस प्रकार से मंत्र के द्वारा जब किए जाते हैं और दुर्गा सप्तशती के द्वारा माया को प्रसन्न करने के लिए पाठ किए जाते हैं, फिर हवन होता है। पहले दिन जो है हवन होते हैं और जे एकमात्र जे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक लक्ष्य है कि भक्तों के कल्याण के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए ये प्रत्येक नवरात्रों में ये यज्ञ जो किया जाता है जो आपके द्वारा ही होता है। आप जो भी धनराशि माँ के चरण भेंट चढ़ाते हैं उसके द्वारा जे अध्यात्म कार्य, धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए जो है उनके रहने के लिए, रास्ते की सुविधा, खाने पीने के लिए, इस प्रकार से सब जो है बिल्कुल यात्रियों को स्वच्छ मिले और जो है वह सब प्रकार के किसी प्रकार की उन्हें कोई परेशानी ना आए यात्रा में, तो इसलिए ये सब आपके द्वारा ये संपन्न हो पाता है। इस प्रकार ये यज्ञ जो है मैं प्रथम नवरात्र को बतलाया था कि आप जो भेंट चढ़ाते हैं इसी के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। वो कैसे हुआ? अकेला कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, सभी भक्त जब मिलते हैं तो असंभव कार्य माँ की कृपा से संभव हो जाते हैं। होता जब माँ की कृपा से आपको प्रेरणा मिलती है, इस प्रकार से आप जुड़ते हैं तो उससे जो है असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण होना, फिर वहां पर बच्चे जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जी आपने जो भी यथाशक्ति जो दान दक्षिणा जो है माँ के चरण भेंट अर्पित की है, ये उसका सदुपयोग है, जिसके द्वारा आज बच्चे जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नारायण हॉस्पिटल जो है जेवी साइन बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण होगा और इस प्रकार जेवी आपके द्वारा ही। ऐसे ही चरण पादुका में गुरुकुल का निर्माण किया गया था, ये 2010 में हुआ था और वहां पर जो है वैदिक ज्ञान बच्चे जो प्राप्त कर रहे हैं, जहां पर निःशुल्क जो है उनको जो ज्ञान दिया जाता है, जो सब जो है आप भक्तों के द्वारा ही जो है सब जो संपन्न होते हैं कार्य जो है, और जहां पर आकर के जो भी हम जो है भेंट चढ़ाते हैं उसका वास्तव में ठीक प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं कितना जो है निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो है अग्रसर जो है 86 से लेकर के अब तक जो है कितना परिवर्तन जो है ये जहां पर हुआ है ये हम लोग जानते हैं, जो कि हम 86 में जहां पर मैं आया था, आज 34 वर्ष हो गए हैं तो कितना परिवर्तन हो गए हैं, तो जमीन आसमान का अंतर है। ये सारी व्यवस्था, ये सब आप लोगों के जुड़ने से, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से ये सब जो है संभव हो सका। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं आपको बतला रहा था कि भगवती की कृपा, इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है, माँ की कृपा होता ही है। माँ की कृपा होती ही तो साधक जो है सर्वत्र अवैध को प्राप्त होते हैं, उनकी कीर्ति, उनका यश जो है हमेशा जब तक सृष्टि रहती है तब तक बना रहता है। इस धर्म में आपको मैं कथा सुना रहा हूँ श्री धर भक्त की जो है, श्रीधर भक्त जिसे माँ ने दर्शन दिए थे,
माँ ने कैसे दर्शन दिए थे, ये वास्तव भक्ति का फल होता है। कैसे भक्त जो माँ से जुड़ता है, कैसे उसके चरणों की भक्ति करते हैं, और भक्ति से ही माँ जो है वो शीघ्र प्राप्त होती है, इसका साक्षात्कार हो जाते हैं। पर लाद ने भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। ध्रुव भक्त ने जो है भक्ति द्वारा जो है भगवान को प्रसन्न किया। शबरी ने भगवान का शास्त्र के भगवान को स्वयं जो है शबरी के पास आना पड़ा। तो ये सब भक्ति का फल होता है। श्रीधर जो थे ये कर्ण के पास ही हंसाली नाम का गांव है, वहीं पर जो रहते थे, बड़े निर्धन थे। इनके घर कोई संतान नहीं थे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भगवत की आराधना करते थे और इन्होंने अपने जीवन में ऐसे एक निजम लिया था। और वास्तव में जब साधक अपने जीवन को निजम ले लेता है, उसी निजम से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निजम लिया कि प्रातःकाल जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, संध्या वंदन करना, उसके उपरांत गांव की छोटी छोटी कन्या को बुला करके उन्हें साक्षात माँ भगवती का रूप मान करके उनका पूजन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उसके बाद ही वह अंजल ग्रहण करते थे। ये ऐसा उनका निजम था। प्रतिदिन जो है इस तरह से भगवती की उपासना किया करते थे। ऐसे चलते समय बीता, माँ की कृपा हुई। नवरात्र के दिन थे, अष्टमी के दिन जो है भक्त श्रीधर जी कन्या पूजन कर रहे थे और जो है जब माँ वैष्णवी उन्हें कन्या में आकर के कन्या के रूप में आकर के बैठ गई, तो माँ ने जिन भक्तों को दर्शन दिए हैं वे कन्या के रूप में दिए हैं। कन्या पूजन जो है जे 2 वर्ष लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का जो है जे पूजन जो सद्या फलदायी बतलाया गया है। अब जो है श्रीधर जी जब कन्या पूजन कर रहे थे, माँ को देखा, माँ के दर्शन हो गए, तो विचार करने लगे इस कन्या को कभी पहले देखा नहीं, ये कौन कन्या है। तब उन्होंने पूछ लिया कि देवी आप कौन हैं, कहीं पहले आप पूजन में आई नहीं। तब माँ ने कहा कि आप जिसकी प्रतिदिन पूजा करते हो मैं वही वैष्णवी हूँ, आप पूजन कीजिए, मैं आपको सारा वृत्तांत आपको बतलाऊंगी। तब जो है भक्त श्रीधर ने सभी कन्या का पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, सब कन्या प्रतिदिन की भांति अपने अपने घर को चले गए और माँ वैष्णवी वहीं पर बैठी रही। बोलो वैष्णो माता की जय। तब जो है माँ ने भक्त श्रीधर से कहा कि देखो आज के 3रे दिन इसी स्थान पर एक वैष्णव भंडारा रखो और भंडारे के लिए सबको निमंत्रण दो। प्रत्येक गांव गांव में जाकर, नगर में जाकर के सबको आदर पूर्वक सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दो। इतना कहते ही माँ वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माँ की जो आज्ञा थी, 2रे दिन में उठा, पूजन किया, कन्या पूजन किया, आशीर्वाद लिया और घर से चल पड़ा। और जो भी मिलता सबको घर घर जाकर के सबको जय माता दी बोलते हुए वह निमंत्रण देता, कल हंसाले में वैष्णव भंडारा है, आपको निमंत्रण, सब आएंगे सब परिवार। ऐसा करते करते सायंकाल को वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जो है उन्हें जोगी वैरनाथ जी मिले। जोगी वैरनाथ जी को उन्हें प्रणाम किया और कहा महाराज कल हमारे हंसाले में वैष्णव भंडारा है, आपको निमंत्रण है, आप भी भंडारे में आए। तब जोगी वैरनाथ ने कहा कि ये ब्राह्मण इतना निर्धन है, इसके पास स्वयं कुछ खाने के लिए नहीं है, हमें भंडारा क्या खिलाएगा। तो जोगी वैरनाथ जी ने उससे कहा कि ब्राह्मण मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तब ब्राह्मण जान गया, उन्होंने कहा देखो कल एक छोटी सी कन्या आई थी, ना जाने कौन शक्ति थी, उसी की आज्ञा अनुसार मैंने सबको भंडारे के निमंत्रण दिए है। अब वापस लौट रहा था तो आप मिले, क्योंकि उस देवी की यही आज्ञा थी, जो भी मिले प्रत्येक घर घर में जाकर के सबको निमंत्रण देना भंडारे के लिए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है, आप जो निमंत्रण स्वीकार कीजिए, महाराज आप भी वहां पर आइए। तो योगी वैरनाथ ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, मैं शिष्य सहित वहां पर आऊंगा। 2रे दिन जय भंडारे का समय हुआ। श्रीधर जी चिंतित हुए कि सभी अतिथिगण आ रहे हैं और जहां पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। कहते उस समय भक्त श्रीधर जी ने माँ की जोत जगाई, माँ का स्मरण किया, ध्यान किया, बैठ गया ध्यान लगा करके और माँ को पुकारा कि माँ तेरे कहने पर मैंने सबको निमंत्रण दे दी है, आप सभी जहां एकत्रित हो रहे हैं और मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं, मैं कैसे इन अतिथियों का जो है सत्कार कर पाऊंगा, मैं तो आपके शरण में हूँ, अब मेरी लाज मेरी इज्जत जो है वह तेरे हाथ में है, हे माँ तू जो उचित समझ बह कर, मैं तेरी शरण में हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ के शरणागत होकर के जैसे ही भक्त सृजन ने माँ को पुकारा और पुकारते उसी क्षण जो है माँ भगवती हाथ में दिव्य करमंडल लिए हुए कन्या के रूप में वहां पर साक्षात प्रकट होंगी। भक्त श्रीधर जी को जो आवाज लगाई, भक्त श्रीधर जी अपने नेत्र खोलो, हिलाया
भक्त सज्जन नेत्र खोले, सामने साक्षात माँ वैष्णव के दर्शन हुए। ऐसे जो भक्त थे, ऐसे तपस्वी, ऐसी इनकी भक्ति थी, और ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसकी हम आराधना करते वह देव स्वामी आकर के पूछे कि बेटा तू चाहता क्या है। भरम ब्रोही माँ ने कहा कि सरधर आप निश्चिंत हो जाइए, आप चिंता मत करो। माँ ने जोग द्वारा एक कुटिया का निर्माण किया और भक्त सरधर से कहा इसको जितने अतिथि आए आदर पूर्वक इस कुटिया के अंदर बैठाइए। भक्त सरधर जो माँ की आज्ञा हुई उसका पालन करते सबको आदर पूर्वक कुटिया के अंदर बैठाने लगे। सब बैठ गए, जोगी भैरवनाथ शिष्य सब बैठ गया, छोटी सी कुटिया सब उसी में समाये जा रहे हैं। जोगी भैरवनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने से कुटिया सबके सब जहाँ बैठ गए हैं फिर भी खाली जगह है, ये क्या है? जो कि मायावी शक्ति ही जहाँ उस भगवती ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। तो जो है तब जो जब सब बैठ गए तब माँ ने एक ओर से भोजन परोसना प्रारंभ कर दिया, एक ही कर मंडल और सबके इच्छा अनुसार जो एक ही कर मंडल से अनेक पदार्थ जो है परोसते हुए माँ भगवती जोगी भैरवनाथ के जब पास जा पहुंची। जोगी भैरवनाथ जी को जब भोजन परोसने लगे तब उन्होंने उसे कहा कि आप सबको सबके इच्छा अनुसार भोजन परोस रहे हैं, हम जोगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है हमें वैसा भोजन मिलना चाहिए। तो माँ ने कहा देखो योगीराज जी वैष्णव भंडारा है, इसको स्वीकार कीजिए। इतना कहकर के जैसे आगे बढ़े तो योगी भैरवनाथ उसे कलाई से पकड़ना चाहा, परंतु माँ उसी क्षण वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले सच्चे योगी भैरवनाथ ने ध्यान लगा करके देखा तो माँ बाण गंगा के पास खड़ी थी, हनुमान जी इनके साथ थे। तभी से वहीं से उसने योगी भैरवनाथ ने माँ का पीछा करना प्रारंभ किया। हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ कि बड़ी प्यास लगी है, कहीं जल था ही नहीं इधर। अब देखते जो पुराने लोग जहां पर आते थे रास्ते में सवील लगी होती थी, पानी पिलाने के लिए पानी नहीं होता था। तो हनुमान जी कहने लगे बड़ी प्यास लगी है माँ। तब जो है माँ ने वहां पर बाण मारा, बाण के द्वारा गंगा प्रकट की, हनुमान जी ने जल पिए, जल पान किया, अपनी प्यास बुझाई, माँ ने वहां पर स्नान किया, अपने केश धोए, इसलिए स्थान को दो नाम के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाण गंगा। जहाँ भक्तजन जो है माँ के दरबार में आते हुए स्नान करते हैं बाण गंगा में, वहीं पीछे जाकर के होल है जहां पर माँ ने बाण मारा था, वहीं से जल जो निकलता है। फिर माँ वहां से चली, यहाँ चरण पादुका पहुंची, चरण पादुका में जो है रुक करके पीछे मुड़ करके देखा तो योगी भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा था। तब जो है माँ के वहां पर चरण पादुका में रुकने के चरण चिन्ह है। जब भक्त जन माँ के दर्शन के लिए आते हैं चरण पादुका कुछ क्षण रुकते हैं, माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ का चरणामृत ग्रहण करते हुए एकरक्त होते हैं। फिर माँ वहां से चली अर्धकुंवारी पहुंची, अर्धकुंवारी में 9 महीने तक उस गुफा के अंदर तप करती रही। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है इसी तरह 9 महीने तक जो है वहां पर भगवती ने तप किया, इसलिए उसका नाम जो है गर्भ झूठ पड़ा। जब जोगी भैरवनाथ वहां भी आ पहुंचा तो माँ ने दूसरी ओर से अपनी शक्ति द्वारा रास्ता निकाला, वहां से चल पड़ी। चलते चलते इस गुफा द्वार पर आ पहुंचे और माँ ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि हनुमान मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, आप जो हैं प्रहरी के रूप में जहां खड़े रहना और कोई भी है उसको बाहर रोकना, कोई अंदर प्रवेश न कर पाए। इतना कहकर के माँ इस गुफा के अंदर प्रवेश कर गई और हनुमान जी प्रहरी के रूप में जो है इस गुफा द्वार पर खड़े हो गए। आज भी इनका चिन्ह हनुमान जी का जो गुफा जब आप जो दर्शन के लिए जाते हैं तो गुफा के अंदर जाते ही बाई तरफ जो है हनुमान जी की ऐसी प्राकृतिक जो है ऐसा उनका जो स्वरूप वहां पर बना हुआ है, सामने भैरव का दड़ है। तो जो है अब जो है जब जोगी भैरवनाथ माँ का पीछा करता करता उसका समय के उपरांत जहां भी आ पहुंचा तो अंदर जाने लगा गुफा के अंदर, तो हनुमान जी जहां से उठाया और पीछे पटक दिया, दोनों का युद्ध होने लगा। भैरवनाथ जी आगे बढ़ते हैं जाने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए, और हनुमान जी धक्का देते तो पीछे फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे स्थान पर जहां पर बैठे हुए हैं जहां पर दोनों का परस्पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, ये सारी लीला माया अपने योग द्वारा देख रहे थे। उसने विचार किया इस दुष्ट को बड़ा समय दिया परंतु इसने अपने दुष्ट छोड़ी नहीं, अब इसका वध करना उचित है। कहते कि माँ स्वयं गुफा से बाहर आई और अपनी शक्ति द्वारा जोगी भैरवनाथ का शीश काट दिया। शीश जो है जहां से 2 किलोमीटर दूर भैरवनाथ की घाटी है वहां पर गिरा हुआ है और धड़ आपके सामने गुहा द्वार पर गिरा हुआ है जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है। तब जोगी भैरवनाथ विलाप करता हुआ माँ से प्रार्थना करने लगा कि माँ मैं पापी हूं,
मैं आपको पहचान नहीं सका, माँ मुझे क्षमा कीजिए, लोग मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, माँ मैं आपको पहचान नहीं सका। बार बार माँ माँ पुकारते हुए माँ से जब योगी भैरवनाथ ने प्रार्थना की तो माँ होती है, माँ का हृदय बड़ा दयालु होता है। कुपुत्रो जायत कुछ कुमाता न भवते, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ ने कहा कि योगी भैरवनाथ आपने अपने अंतिम समय में पापों का प्रायश्चित करते हुए प्रार्थना की है, मैं तुझे क्षमा करती हूँ और जब वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शन के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाति बार जो है वे तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। ये माँ की कृपा है। इससे जो सिद्ध होता है, बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब विशुद्ध मन से भगवती के शरणक धोकर के माँ से प्रार्थना करता है तो माँ उसकी प्रार्थना को स्वीकार करती है, उसकी पाप जो है माँ के दर्शन से ही बसीभूत हो जाते हैं और वही ऐसी पवित्र आत्मा हो जाती है जो दूसरों का भी कल्याण करने वाला हो जाते हैं। अब भक्त जन माँ के दर्शन करते हैं, योगी भैरवनाथ के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी जो है जो भूत प्रेत बाधा जो होती है वह दूर होती है और सब कष्टों से वह मुक्त होते हैं, इसलिए जिस यात्रा जो तभी उनकी सफल होती है। इधर जो है भक्त श्रीधर जी दिन रात चिंता करने लगे कि माँ कहाँ चलेगी। माँ ने एक दिन उसे सपन में दर्शन दिए, हर क्षण हर पल जब माँ का स्मरण करता था, चलते फिरते उड़ते बैठते, माँ कहाँ चलेगी, माँ तू आई फिर चली गई। तो माँ ने उसे सपन में दर्शन दिए, अपने साथ ले आई, इस जसारा दुर्गम मार्ग दिखलाते हुए इस गुफा के अंदर पिंडी ग्रह में माँ ने अपने दर्शन दिखलाए और कहा कि भक्त श्रीधर जे मेरा रूप यही है, रूप में जो है मैं जहां पर तप करती हूँ, जो पिंडी रूप में जहां पर मैं विराजमान हूं, आ मेरी पूजा का भार संभालना, मेरी पूजा करना, तेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं तुझे एक नहीं चार संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में चार पुत्र होंगे। प्रातःकाल का समय था, भक्त श्रीधर जी ने माँ की पूजा की, प्रातःकाल कन्या पूजन किया, माँ का आशीर्वाद लिया, चल पड़ा जैसा मार्ग सपन में देखा था। चलते चलते इस गुफा दर पर आ पहुंचा और जो है आकर के सर्वप्रथम इस गुफा के अंदर प्रवेश किया और इस पिंडी के रूप में माँ के दर्शन किए। जो सपनों दिखाया था माँ ने वही साक्षात उसने देखा और जब तभी से भक्त श्रीधर जी ने माँ की पूजा करना जहां पर प्रारंभ कर दी। भक्त श्रीधर जी जो है इस प्रकार श्रद्धा युक्त होकर के माँ की पूजा करने लगे और कालांत कुछ समय के उपरांत माँ का आशीर्वाद से भक्त श्रीधर के घर चार पुत्र हुए। आज ही पुजारीगण जो है उन्हीं श्रीधर के वंश से जो है वे पूजा करते चले आ रहे हैं। आज ही माँ की इतनी कृपा है भक्त श्रीधर पर, उसका वंश जो है आज ही फल फूल रहे हैं और जो विधि विधान जो है उस समय श्रीधर का था उसी विधि विधान को आगे बढ़ाते हुए जो है आज उनके वंश से पुजारी जो है ये पूजा करते आ रहे हैं। प्रतिदिन कन्या पूजन करना, चाहे जहां पर हो चाहे घर में हो, प्रतिदिन कन्या पूजन करना जो उसके विधान थे, अष्टमी के दिन जो है यज्ञ करना और भंडारा करना, माँ का भंडारा अष्टमी के दिन जो है ये श्रीधर के वंश जो है आज भी करते चले आ रहे हैं, उस परंपरा को इस पर निभा रहे हैं और माँ की इतनी कृपा है कि भक्त श्रीधर का वंश जो है आज ही फल फूल रहा है। इसलिए जो भक्तजन इस देवी की आराधना करते हैं, जिस घर में माँ की पूजा, माँ की अर्चना, माँ की जोश जगती है, उस घर में जो है जय भगवती स्वयं जो है लक्ष्मी के रूप विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, शांति देती है और सब वर्षण भक्तों का मंगल ही मंगल करती है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भक्तों को इन बसंत नवरात्रों के दिनों में माँ के चरणों में आकर के आज पंचम नवरात्र के अवसर पर भगवती के चरणों में बैठ करके माँ की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के दिन भक्त जन जो है ये अपने मन को जो विशुद्ध चक्र में, बिल्कुल विशुद्ध मन से जो है विशुद्ध चक्र में जो है यह अपने मन को स्थित कर करके माँ भगवती सुगंध माता का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। आज पंचम रूप माँ भगवती का सुगंध माता का है, तो माँ भगवती सुगंध माता जो है आप सभी भक्तों का कल्याण करें, आपको वरदान दें, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। इस बच्चन मरातक शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और देशवासी सभी देशवासियों को जो है पंचम नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और स्कंद माता का सबको वरदान, माँ का आशीर्वाद, भगवती सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें और सर्वत्र जो सबकी माँ रक्षा करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।